जय भोले, जय हनुमान जी। तो मेरे सामने है फेमस शिमला के झाकू मंदिर के हनुमान जी। तो ये मैं इनके साइड से आपको दर्शन करा रहा हूँ, और मैं इनको लेके जाऊंगा, इनके आपके सामने से दर्शन कराऊंगा झाकू टेंपल के हनुमान जी के। ये रहे, तो ये शिव, ये हनुमान जी आपको शिमला में, आप कहीं भी खड़े हो आपको वहीं से दिखाई देते हैं इनके सर, और ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो मैं अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूँ, तो मैं अंदर जाता हूँ। अब केबल कार से हार्डली 50 मीटर की दूरी पे ही झाकू टेंपल स्टार्ट हो जाता है। रिसेंटली अभी स्नो हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि बर्फ़ अभी है तो पानी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बंदरों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से मोबाइल चुरा लेते हैं लोगों का, और फेंक देते हैं और तोड़ देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर आप बाहर से आ रहे हो तो यहाँ पे अपने जूते वगैरह आप रख सकते हैं, और यहाँ से शिमला का पूरा व्यू एंजॉय करूँगा मैं, और आपको भी कराऊँगा। तो अब हम मंदिर का दृश्य आपको पूरा दिखाएंगे। और रिसेंटली ही मैंने अभी जूते उतारे हैं, तो मेरी हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि अभी रिसेंटली स्नोफॉल हुई है, तो पैर मेरे जम चुके हैं अच्छे खासे। पर लेकिन अगर मंदिर आ रहे तो भाई जूते होते तो आपको उतारने पड़ेंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये रहा मेरे पीछे झाकू मंदिर का एंट्रेंस, यहाँ से मैं एंटर करूँगा और फिर आपको मंदिर के बहुत प्यारे दर्शन कराने वाला हूँ। तो गाइस मेरे सामने आप देख सकते हैं कुछ तूफानी बंदे जो दिल बना रहे हैं हनुमान जी के सामने। तो क्या हनुमान जी, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो गाइस ऐसे होती आप नहीं करने जिंदगी में कभी भी, कि आप आ रहे हो और हनुमान जी के सामने आप ये सब कर रहे हो। हनुमान जी आपको इसके अलग सजा देगा, गदा मारेंगे स्पेशल गदा मारेंगे सर पे धूम करके। तो झाकू मंदिर ये रहा, और इसके आसपास भी काफी अच्छे व्यूज है झाकू टेम्पल के पास, आप ये देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से पहले हम इस मंदिर के अंदर जाएंगे, और फिर उसके बाद मेन उस पे। जय हनुमान जी। तो ये मेरे सामने हनुमान जी है, जय हनुमान जी। अब मैं आपको अंदर लेके चलता। तो गाइस अभी आपने देखा कि हमने मंदिर के अंदर धोख मारी, पूरी वीडियो में नहीं बना पाया किसी ड्यू टू सम रीजन, सिक्योरिटी की वजह से। और अब हम लेके जा रहे हैं आपको वो हनुमान जी के सामने। 108 फीट की ये मूर्ति है, जो कि बताया जाता है लोगों द्वारा। और यहाँ पे ये झाकू मंदिर का कुछ कार्यालय है, आई मीन जो इसकी देख रेख करता है, और एवरी संडे यहाँ पे भंडारा किया जाता है। तो अगर आप आ रहे हैं तो संडे को आपको भंडारा मिलेगा। प्लस हाँ गाइस, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बंदरों का खास ध्यान रखना है, क्योंकि बंदर काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, जो कि आपका फ़ोन वगैरह छीन सकते हैं और छीन उठा के फिर फेंक देंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मोमेंट है, बहुत ज़्यादा प्यारा है ये झाकू मंदिर। और मैं आपको हनुमान जी के दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये रहे हनुमान जी, जो आपको शिमला में आप कहीं भी खड़े हो वहीं से आपको दिखाई देते हैं हनुमान जी। और ये पेड़ देखें यहाँ पे, यहाँ की कुछ अलग ही फ्रेशनेस है। आई मीन आप आओगे ना तो आपको एक अलग ही माहौल मिलेगा यहाँ का। तो और आगे एक्सप्लोर करता हूँ मैं। तो गाइस अब मैं आपको हनुमान जी के दर्शन कराने वाला हूँ। ये इनके पैर है जिनके चरणों में मैं हूँ, और अब आप इनकी हाइट देखिएगा गाइस। ये तो ये है 108 फीट के हनुमान जी। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है श्री अभिषेक बच्चन अभिनेता। तो अभिषेक बच्चन कहा जाता है कि अभिषेक बच्चन का भी इनको बनाने में, मतलब इस मूर्ति को बनाने में योगदान रहा, या फिर उन्होंने कुछ इसमें चंदा वगैरह या फिर अपनी श्रद्धा से काफी चीजें दी होगी, जिसकी वजह से उनका नाम मेंशन है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। 108 फीट हनुमान जी के दर्शन मैं आपको करा देता हूँ पीछे से भी। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हनुमान जी। बस मेरा एक ही सपना है कि अगर ये काश ये चल पाते इधर उधर उड़ते हुए तो कितने अच्छे लगते हैं। सारी विशेष मांग लेता मैं इनसे। मंदिर तो आपने मेरे पीछे देख चुके हैं, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है, और मूर्ति आप मेरे पीछे अभी देख ही रहे हैं। तो ये जो मंदिर है ये विश्व प्रसिद्ध लोग है गाइस, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ये। पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं इसको देखने के लिए, क्योंकि ये बना ही इतना ज़्यादा सुंदर है, और एक अच्छी खासी हाइट पर ये मंदिर बना हुआ है। तो अगर मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूँ, तो कहा जाता है जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम पे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तो क्या हुआ था, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, तो उनकी जो नज़र है वो यहाँ पर पड़ी, और जो यहाँ पे यक्ष ऋषि थे
उनसे उन्होंने कहा जब वो वापस आएंगे तो उनसे जरूर मिलके जाएंगे। तो यक्ष मतलब याक और याक मतलब झाक और झाक मतलब झाकू, तो इट मीन्स उस चीज से इस जगह का नाम झाकू टेम्पल पड़ा। और यहाँ पर कहा जाता है कि हनुमान जी के चिन्ह भी हैं, पद चिन्ह, और शायद एक स्वयं भूमि कोई अपने आप निकली, कोई शिला भी है जो अपने आप निकल गई थी, और जिसको जो मैंने आपको मंदिर में भी दिखाया। तो ये कुछ रफ हिस्ट्री है इसकी, प्रॉपर गूगल से मैंने सर्च करी थी, प्लस हाँ यही हिस्ट्री है इसकी, तो आप आगे देख सकते हैं। और मन्नत मांगने के लिए काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत बहुत ज़्यादा पीसफुल एरिया है, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है मन को, आप पूजा कर सकते हैं, आ सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा मंदिर के आसपास, और पूरी जानकारी दूंगा। ये वो मंदिर है जहाँ से कहा जाता है कि ऑटोमेटिकली अपने आप शिला निकलकर आ गई थी। प्लस मौसम बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है, शाम का टाइम है 4 बजे के टाइम, तो पूरे दर्शन बहुत प्यार से हो गए, बहुत आराम से दर्शन मैंने कर लिए हैं झाकू मंदिर के। बाकी थोड़ा सा और आगे घूमते हैं। तो ये मेन्यू है यहाँ का, वेलकम टू झाकू, कैंटीन भी है यहाँ पे, और ये मेन्यू आप देख सकते हैं। तो इट मीन्स अगर आप फैमिली वगैरह के साथ आ रहे हैं तो आप यहाँ पे नीचे खाना खा सकते हैं, मेन्यू वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया है। और अब आप देख सकते हैं कैफे अंडर ट्रीज, इंडियन कॉन्टिनेंटल चाइनीज, और यहाँ पे कुछ एक्टिविटी भी होती है जो 20 मीटर दिखा रहे हैं नीचे, तो मैं नीचे की तरफ लेके चलता हूँ और वहां पे देखता हूँ कि क्या एक्टिविटी है वहां पे। और ये बहुत ही गजब गजब का मौसम, वहां पे अन्नपूर्णा का अक्षय, और खास बात है संडे को यहाँ पे भंडारा होता है गाइज, तो संडे जरूर आए। ये संग्रहालय है, काइंड ऑफ म्यूजियम, जहाँ पे चीजें वगैरह रखी रहती है। एक बार चलते हैं नीचे, नीचे चल के देखते हैं क्या हिसाब किताब है। तो गाइज नीचे जो आप एरिया देख सकते हो वहां से ये एक्टिविटी होती है, ये बम्पर कार, जिप लाइन वगैरह वगैरह, तो हमें ये नहीं करनी है। तो मेरे जस्ट बगल में है ये कैफ़े, इसका नाम है कैफ़े अंडर ट्रीज, और ये देखने में बहुत ज़्यादा क्लास लग रहा है। तो अंदर चल के इसका मेन्यू एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा कॉफ़ी वगैरह के मज़े लिए जाएं। तो चलिए मेरे साथ इस कैफ़े के अंदर। सो फाइनली बहुत ही वेट के बाद हमारी कैपेचिनो कॉफ़ी हमारी टेबल पे सर्व होते हुए यो यो, और हम हैं कैफ़े अंडर ट्री के नीचे, और ये कैफ़े बहुत ही यूनिक स्टाइल से बना हुआ है। फोटोग्राफी वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं, मेन्यू काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए देख सकते हैं लंगूर, इन लंगूर की वजह से बंदर बहुत कम आते हैं। और अभी ये देखिए मेरे पीछे बंदर, तो इसने किसी का जूता ले लिया है, अब जूता उठा लिया उसने। हाँ तो ये तेज तरार बंदर ने देखो ये जूता उठा लिया है इसका, इन भैया का, तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया अपने चीजों को संभाल के रखे, अब ये फूफा जूते नहीं देगा इनके जब तक इसको फ्रूटी वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, तो इसलिए बंदरों से सावधान रहने के लिए कहा जाता है। ये देखो तो अब हम चले बाहर की तरफ, ठीक है, टू हियर रिज। तो ये जूता नहीं फेंकेगा, बाकी सब चीजें फेंक देगा। ये देखो कोई एक ये रास्ता है जो जिससे आप झाकू मंदिर की तरफ एंट्री करते हैं, और एक वो रास्ता था जहां से हम केबल कार से आए, ऐसे आपको स्टेयर से चलना पड़ता है, या तो ये स्टेयर है या तो आप ऐसे भी चल सकते हो। तो दोनों तरीके से ऑप्शन है आपके पास कि आपको कैसे जाना है। हम आए वहां से नहीं थे लेकिन हम जा यहां से रहे हैं, तो दो तरफ से एंट्री होती है यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया। प्लस अगर आप हेल्दी है और अच्छा खासा आपका डेली रूटीन है वॉक वगैरह का, तो आप आराम से चढ़ सकते हैं, वरना आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें यहाँ पे महसूस करने को मिल सकती है। तो बस अब इस वीडियो को यहीं पे मैं खत्म करने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद ही, और पूरी जर्नी का आपको ओवरव्यू दूंगा कि कैसी जर्नी रही मेरी यहाँ पे, बहुत ज्यादा मजा आया। तो गाइज अगर आप शिमला आ रहे हैं तो झाकू मंदिर जरूर आए, कुछ भी डाउट होता है आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। प्लस अभी आज वीकडेज है तो इतना भीड़ नहीं है, लेकिन अगर वीकेंड्स होता तो अच्छी खासी भीड़ होती है यहाँ पे। तो ये एक और एंट्री है झाकू मंदिर की, मतलब मेन एंट्री तो यहीं से है, तो यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, जैसे मैं भी नीचे आया तो आप यहाँ से ऊपर जा सकते हैं और थोड़ा बहुत एंजॉय आप कर सकते हैं रास्ते को। और ये देखेगा ये भालू जैसा कुत्ता, अगर ये अपने एरिया में होता तो अभी तक ये किडनैप हो चुका था, क्योंकि ये इतना गजब का डॉगी है। तो बस अब वीडियो कॉल अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे जो स्टेयर्स है उनका आपको ध्यान से चलते हुए आना है, क्योंकि स्टेयर्स काफी थोड़ी सी ढलान पे है,
तो जाको मंदिर मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। अब मैं जा रहा हूँ माल रोड की तरफ और माल रोड को एक्सप्लोर करूँगा। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया जाको मंदिर में, मुझे काफ़ी सारी बहुत एडवेंचर था, बहुत मज़ा आया और बहुत। तो जाको मंदिर को बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं हमारे साथ। तो अब हम जा रहे हैं माल रोड की तरफ, तो जाको मंदिर को कहते हैं बाय बाय और हमारे साथ बने रहिएगा टीम ऑफ द लेसन के साथ। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें टीम ऑफ द लेसन को। बाय बाय।